हम प्लांट बेस्ड मिल्क नट्स बीन्स और साथ ही साथ फ्रूट से भी बना सकते हैं, जैसे कि सोयाबीन, आलमंड, कैश्यू या कोकोनट। हर प्लांट बेस्ड मिल्क की अपनी एक कंसिस्टेंसी होती है और टेस्ट होता है, यानी कि हो सकता है कि कई लोगों को एक प्लांट बेस्ड मिल्क टोफू बनाने के लिए अच्छा लगे, जैसे कि सोयाबीन का बनता है, या कई लोगों को बादाम का दूध अच्छा लगता है अपने सीरियल में, चाय में या कॉफ़ी में। तो आज की जो रेसिपी है, हम उसमें बादाम के दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो नेचुरली स्वीट होता है और क्रीमी होता है। तो चलिए ये रेसिपी देखते हैं। बादाम का दूध बनाने के लिए हमने 100 ग्राम बादाम लिए हैं, जिसे हमने रात को भिगो कर रखा था। बादाम का दूध अपने आप में ही बहुत मीठा होता है, पर अगर आपको तेज मीठा पसंद है तो आप इसमें खजूर, चीनी या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इसमें एक चुटकी नमक चाहिए, वेनिला एसेंस जो कि ऑप्शनल है, 500 मिलीलीटर से 1 लीटर तक का पानी। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम ब्लेंडर में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। आपको दूध कितना गाढ़ा चाहिए उसके हिसाब से आप पानी की मात्रा एडजस्ट कर सकते हैं। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद एक छन्नी से छान लीजिए। इस बादाम के पल्प को आप फेंके मत, क्योंकि आप इसे इस्तेमाल कर काफ़ी रेसिपीज बना सकते हैं, जैसे कि कुकीज़, जिसकी रेसिपी हमने शेयर की है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस दूध को इस्तेमाल करते हुए आप खीर या मिल्क शेक जैसी रेसिपी बना सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले वक्त में हम आपके साथ ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज लेके आएंगे। हमारा चैनल है youtube.com/peoplefarmproducts।